फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष डॉट इन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक के मार्केट कहां से कहां तक रह सकता है और क्या होगा हमारा नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग प्लान। उससे पहले मैं बता दूं, आपने अगर हमारा लाइव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर हमारा लाइव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि हम जो हमारा हर हफ्ते का जो मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसको लाइव ट्रैक कर सकते हैं। यानी मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन देता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना जो ट्रेड है वो शेयर करता हूँ, आप चाहे फॉलो कर सकते नहीं कर सकते, कोई ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है उसमें। तो अगर हाँ, दूसरी बात कि अगर आपने हमारा अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक पे मार्केट कैसा रह सकता है। तो इससे पहले मैं छोटा सा रिकैप करता था कि पिछले प्रीवियस वीक में हमारा ट्रेड क्या था। तो चलते हमारा टेलीग्राम चैनल पे। ओके सर, यहाँ पे देखेंगे हमने 5 मई को ट्रेड को एंट्री किया था, वो था हमने एक शॉर्ट पोजिशन क्रिएट किया था। मैं दिखा देता हूँ साफ साफ, हमने जो है सी शॉर्ट किया था 18,400 के आसपास और उसको हमने लगभग जो मार्जिन बेनिफिट के लिए हमने हेज किया था 18,650 के आसपास, लगभग हमने 17 लॉट के आसपास क्या बोलते हैं इसको हमने सी शॉर्ट किया था। इसमें जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था वो था 7,600 के आसपास। हाँ, अगर हम हमारे एनालिसिस पे सही होते तो इसको पिरामिडिंग करके हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा लेते, ये बात की बात है। इसमें हुआ क्या देख लेते, इसमें कुछ नहीं, सिंपली हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं बात दिखा देता हूँ आपको एग्जिट और स्टॉप लॉस। हमने यहाँ पे 8 मई को नेक्स्ट दिन ही हमारे को मंडे के दिन ही हमको स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। हमने 1% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया था। आप बोलोगे सर इसमें स्टॉप लॉस ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस कैसे लिया, तो यहाँ पे हमने जिस टाइम से हमने इसको एंट्री किया था उसके बाद से यहाँ पे सर देखोगे 17,200 के आसपास जो है हैवीली जो है पुट राइटिंग कुछ समय के लिए हमने जो फ्राइडे के दिन के लिए हमने हमारा जो क्या बोलते हैं इसको ट्रेड था वो सही था, देखा जाए तो सही था। हम एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद कर रहे तो वो नहीं आया, एक ट्रेड हमेशा ट्रेडर हमेशा सही नहीं रहता क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है तो मुझे रुकना पड़ता है कि प्रीमियम गले उसके बाद, और जो उसका जो गेन था वो मतलब जो नीचे की तरफ गया वो एक ही दिन में चला गया, फिर वापस वो रिवर्स कर गया। तो जो रिट्रेसमेंट था वो काफी छोटा था, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, जबकि हमने फिर भी किया। आपने अगर प्रीवियस वीक की वीडियो नहीं दिखा होगा तो प्लीज ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने साफ साफ आपको बता दिया था कि आप चाहे तो जहाँ पे मतलब मैं संडे को आया था उसी को उसी दिन बता दिया था कि आप चाहे तो आप अपना जो ट्रेड है उसको एग्जिट कर दीजिए, मैं रिस्क ले रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो मेरे को एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। तो मैंने ये रिस्क लिया लेकिन मैं पे स्टॉप लॉस बुक किया। मैं आपको फायदा बता देता हूँ स्टॉप लॉस बुक का, एंट्री कहाँ पे था, ये जो गैप डाउन खुला था, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ओके ये जो रैली आई थी गुरुवार के दिन, फिर हमने इसको देखा, मैंने एंड को एंट्री नहीं किया। दूसरे दिन जो यहाँ पर छोटा सा कैंडल बनाया 1 आवर का कैंडल, एक क्या बोलते हैं इसको सॉरी मैं भूल गया इसको क्या बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल जैसा हमको मिला, काफी टॉप पे भी था, प्लस ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट जैसा दिया इसको भी ये मतलब डाउन साइड में एंटर कर गया मार्केट, तो बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर की तरफ आया लेकिन मार्केट सर्वाइव नहीं किया, फिर नीचे की तरफ जा रहा था, तो हमने यहाँ पे एक एंट्री कर लिया था। यहाँ पे क्या आज हमको कैंडल स्टिक भी दिख रहा है, फेक ब्रेकआउट की तरह भी दिख रहा है, तो हमें नीचे की तरफ हाँ यहाँ से यहाँ तक मेरे को मिला। देखिए गलत नहीं था, ये ट्रेड सही गया था, लेकिन हमने उम्मीद किया कि इस एरिया पे या तो साइडवेज हो जाए या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दे, ये दो उम्मीद था हमको। लेकिन दूसरे दिन ही इसने जो है मार्केट रिवाइव कर गया और काफी दूर तक, ये जो हमने जहाँ पे 18,400 का बुक किया था एग्जैक्टली यहाँ तक आया। लेकिन अब क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है तो आप पूरा वहां तक बैठ नहीं सकते हो, राइट। नेक्स्ट दिन ही आपका इतना दूर तक जा रहा है तो ऑब्वियसली आपका गामा इफेक्ट करेगा, गामा तो नहीं सर, गामा तो एक्सपायरी के दिन होता है, जो डेल्टा इफेक्ट करेगा काफी ज्यादा हाई। तो लगभग जब भी हमें ऊपर की तरफ आया और ये जो हमारा इस एरिया के आसपास ब्रेक हो गया, हमने हमारे ट्रेड से एग्जिट कर दिया, लगभग 8,000 के आसपास 1% के आसपास हमारा लॉस हुआ था। तो एक्सेप्ट देखिए यहाँ पे मैंने अगर ये चीज में बताऊँ स्टॉप लॉस लेने का फायदा, देखिए यहाँ पे अगर मैं बता देखो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लिया तो मेरा 8,000 के आसपास काम हो गया, लेकिन मैं वेट करता और दूसरे दिन वो लगभग मेरा स्ट्राइक प्राइस के पास पहुंच जाता। क्या मेरी हिम्मत होती कि मैं 18,400 को सबसे उस तरफ मेरे पास अनलिमिटेड लॉस है और इस तरफ कि इस भरोसे कि हाँ यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा,
हाँ उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, मानता हूँ जीरो हो गया, लेकिन अब खुद दिल से सोचो क्या मेरे पर, मैं उस टाइम टिक पाता, मेरी साइकोलॉजी क्या कहती है, यहाँ पे जब मैं 40-50 हज़ार का लॉस देखता तो मैं क्या टिक पाता, नहीं टिक पाता। तो एग्जैक्टली यहाँ पे टाइम से अगर डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो तो टाइम से स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। ये चलिए हो गया ट्रेडिंग, थोड़ी सी ट्रेडिंग आउट ऑफ द बॉक्स हमने बात कर लिया, यहाँ ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक पे मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ओके यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम को ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देख लेते हैं। ओके डेली टाइम फ्रेम पे सर आप देखोगे, मैं यहाँ पे हमारा ईएमएस को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे तीन तरह के ईएमएस मैंने लगाया है। यहाँ पे सर आप देखोगे 20 डेज ईएमएस, ये 50 ईएमएस और ये 200 ईएमएस, तीनों जो है एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, प्लस प्राइस उसके ऊपर चल रहा है, रिटेस्टमेंट के ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे ये मतलब लगभग हमें ये पता लग रहा है कि ट्रेंड जो है बुलिश है। दूसरी जगह से ट्रेंड का पता लग सकता है वो है आरएसआई से। आपको अगर सर आरएसआई से, आरएसआई तक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो आरएसआई से भी ट्रेंड का पता लगता है। अनकन्वेंशनल मेथड है आरएसआई का, तो 60 के ऊपर जाता है आरएसआई, 60-40 के ऊपर जाता है, 60 के ऊपर जाता है तो आरएसआई जो प्राइस का जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और 40 के नीचे अगर जाता है तो है एक बेरिश ट्रेंड है, ये भी आरएसआई का एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद में बात करते हैं आरएसआई को, लेकिन आरएसआई जो मेनली हम मोमेंटम ट्रैक करने के लिए, प्राइस का मोमेंटम क्या चल रहा है, डाइवर्जेंस वगैरह ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक के मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे, मैं ये ईएमएस हटा देता हूँ थोड़ा सा। ओके ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे है। राउंड फिगर की मैं बात करूँ तो 18,400 है मेरा सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया, मेरे को मिल रहा है 18,400। ठीक है यहाँ पे आसपास आप देखोगे तो यहाँ पे भी प्राइस काफी बार रिएक्शन किया है एज ए रेजिस्टेंस, इसको कर सकते हैं, मतलब नियरेस्ट रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ट्रेड नहीं है। और मैं अगर सपोर्ट की मैं बात करूँ, सपोर्ट की सर यहाँ पे देखो नियरेस्ट अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस जो है इस एरिया के आसपास, इसको मैं थोड़ा आवली चार्ट पे करता हूँ तो शायद साफ नजर आया आपको, क्या आवली चार्ट में तो और भी खतरनाक दिख रहा है। हाँ यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके अभी जो प्राइस जो है एज आवली टाइम फ्रेम, इसमें भी जो है प्राइस है बुलिश है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस जो है देखेंगे तो काफी वोलेटाइल हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि प्राइस जो है साइडवेज जा रहा है, कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो प्राइस के बिहेवियर के हिसाब से देखें तो अभी तक प्राइस जो है अगर अप ट्रेंड की मैं बात करूँ आवर्ली टाइम फ्रेम में भी इसने कोई भी लो ब्रेक नहीं किया है, तो इससे जो हो रहा है कि प्राइस जो है अभी भी काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अभी हम इससे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसको निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ रहा है 18,400 हमारा जो है यहाँ पे सपोर्ट बन के आ रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। और नीचे की तरफ जो यहाँ पे अगर प्राइस की मैं बात करूँ वो है 18,000 एक्सेल होगा, ये 200 के आसपास होगा, काफी नैरो रेंज है। एग्जैक्टली यहाँ से देखिए बुल्स दो बार एक्टिव हुए, पहली बार तो ये जो स्विंग बनाया है यहाँ पे डाउन गया, फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग स्विंग बनाने का रिट्रेसमेंट दिया, फिर इसने एक्टिव हुआ दोबारा आया, तो ये जो कैंडल फॉर्म देखिए यहाँ पे भी प्राइस मतलब बुल्स जो है एक्टिव थे, यहाँ से प्राइस को आराम से ऊपर उठाया और एक ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग दिया। फ्राइडे के विशेषण की बात करूँ तो भी हम एज्यूम कर सकते हैं अगर ये बुल्स अगर हट जाता है, इनका स्टॉप लॉस कट जाता है तो नीचे की तरफ एक रैली आ सकता है। एग्जैक्टली दोबारा इस एरिया के आसपास 18,120 के आसपास जो है आ सकता है, साइड में आपको नंबर दिख रहा होगा 18,100 के नीचे 18,050 के आसपास, 18,850 के आसपास जो है हमारा प्राइस आ सकता है। ये मैं अगर बात कर रहा हूँ कब की बात कर रहा हूँ मैं, जब जो है ये 18,200 ब्रेक हो जाए, इसके नीचे सस्टेन हो जाए या इसके नीचे पुल बैक ले लें, यहाँ से यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हो, ये एक सीनारियो बनता है। प्लस दूसरा सीनारियो बहुत ही सिंपल है, जो 18,400 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, उसके ऊपर जाता है तो देन आप बुल साइड में ट्रेड लग सकते हो। बुलिश साइड में मैं कोई टारगेट नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। अगर यहाँ पे अगर प्राइस जो है कंटिन्यू करता है इस तरीके से
तो जैसे जैसे लो बनाता जाएगा मैं इसका लो के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा। ये होगा हमारा, मेरा निफ्टी का व्यू हो गया। अभी चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा वाई देख लेता हूँ कि निफ्टी में चल क्या रहा है। वाई से मैं अभी के टाइम में ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, बहुत कंफ्यूजन होता है वाई से अभी के टाइम में, जो पता नहीं लग पाता इंस्टीट्यूशन कौन सा है और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर कौन है जो यहाँ पे पोजिशन बना रहे हैं, ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं मेजरली ट्रेड, अगर मैं नॉर्मली मैं वाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे सर, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए मतलब देखा जाए तो सिंपली पुट वाई जो है थोड़ा सा भारी लग रहा है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा भारी, लेकिन देखा जाए तो दोनों सेम सेम पोजिशन में ही है, लगभग ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन हाँ, इनमें से अगर कोई भी ब्रेक कर देता है मतलब, तो किसी का ना किसी साइड में स्टॉप लॉस होगा, या तो इनका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, दोनों में से जिसका भी स्टॉप लॉस हिट हो उस तरफ एक मोमेंटम बनेगा, क्योंकि बायबैक होना शुरू हो जाएगा उस साइड में। राइट सर, बायबैक होना शुरू हो जाएगा तो उस साइड में अगर बायबैक होता है तो उस साइड में हमें को एक ठीक ठाक मोमेंटम मिल सकता है। तो यही एक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान यही है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया था, ये 18,200 के नीचे अगर जाता है, अगर ब्रेकआउट दे देता तो नीचे रखे हुए स्टॉप लॉस का, यहाँ पे जो रखे हुए स्टॉप लॉस है इनको हिट होगा और नीचे की तरफ मोमेंटम बनेगा। अगला जो है सीडी का जो पड़ा हुआ है वो 18,000 के आसपास दिखाई दे रहा है हमको, 18,000 से लेकर 18,050 के आसपास का हमको दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ अगर 18,400 ब्रेक हो जाता है तो 18,500 उसके बाद 600 ऐसे जा सकता है, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करूंगा ऊपर की तरफ। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 1 आवर के चार्ट को, सॉरी 1 डे के कैंडल को ओपन कर लेता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये है 44,008 के आसपास। मैं देखता हूँ और कोई हाई तो नहीं है। एग्जैक्टली सर, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और कोई हाई नहीं है। अभी मेन जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बन के आएगा वो 44,100 के आसपास जो है, यहाँ पे आप साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा 44,100 के आसपास ये जो टॉप बना हुआ है, ये हमारा पहला R1 होगा, मतलब सपोर्ट होगा, सॉरी रेजिस्टेंस होगा। और नीचे की तरफ अगर देखोगे तो इस एरिया के आसपास प्राइस जो है काफी बार, मतलब क्या बोलते हैं इसको, काफी बार रिएक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी भी एक टाइट रेंज में दिखाई दे रहा है मेरे को अभी फिलहाल। इसको थोड़ा वन आवर ली कैंडल ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके सर, यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी एज ए निफ्टी के हिसाब से कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड में, एज ए कॉल साइड में। तो यहाँ पे जो है आप लोस को काउंट करोगे देखोगे तो ये आराम से हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी भी इस लो को ब्रेक किया ही नहीं। अभी अगर बाजार को नीचे जाना होगा तो लो ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये लो है ब्रेक करना पड़ेगा। इस लो के ब्रेक के बाद आपको नीचे की तरफ रैली मिल सकता है, वो 42,700 के आसपास यहाँ पे हमारा सपोर्ट S1 बन मिल जाएगा हमको। और ऊपर की साइड में अगर ट्रेड लोगे तो ये 44,100 के आसपास इसको ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद आपको इजीली ट्रेड मिल जाएगा ऊपर की साइड में। मैं अगर बात करूँ तो मैं अपसाइड में मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना पसंद करूंगा, क्योंकि बाजार जो है अगर अपसाइड में मेरे को मौका मिल जाता है अपसाइड में तो बाजार जो है ऊपर की साइड में मैं बड़े से बड़ा मूव कैप्चर करना पसंद करूंगा, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरा एक ट्रेंड है। पिछले वीक में मैं डाउन साइड में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था रिट्रेसमेंट, लेकिन मेरा उल्टा स्टॉप लॉस सेट हो गया, तो इसलिए मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ज्यादा कोशिश नहीं करूंगा। अगर मैं बात करूँ अगर मेरे को नीचे के साइड में मौका मिलता है तो मैं एज ए इस छोटा टारगेट ही लेना पसंद करूंगा इस बार, कि ज्यादा स्टॉप लॉस देना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं हफ्ते में 3 या 4 ट्रेड करता हूँ बहुत मुश्किल से, इतने कम ट्रेड में ज्यादा स्टॉप लॉस, मतलब 2 हफ्ते स्टॉप लॉस देना बेवकूफ़ी होगा। ऐसा लग गया तो कुछ नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस से लग गया तो लेना पड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है, कैसे जाता है हमारा नेक्स्ट वीक। तो मिलते हैं हमारे मतलब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, आपको हमारा अगर वीडियो एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।